6 साढ़े 6 बजे जहां भी मिल जाए। बाबा ने मुझे एकदम सामने बिठा दी, तो मतलब मैं बहुत ही अच्छे से पीसफुल निसंकल्प होकर बोली सुना, ये बहुत ही बाबा का इम्पैक्ट हुआ था। बाबा ने जो कहा ना, सदा होता है लेकिन सदा, वो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, सदा वैसा रहता है, सदा इष्ट देव, सदा पूर्वज की स्मृति रहती है सदा। सभी को लगा असर हुआ, दीपिका बहन सदा दुआ देनी, दुआ देनी कितना भी हो जाए ऑपोजिशन। हाँ, ऑपोजिशन कितना भी हो लेकिन बिल्कुल संकट, तो सदा और कुछ भी हो जाए दुआ देनी, तो ये वाला पुरुषार्थ करना है। तो जमा का खाता, तो उसमें बाबा ने निमित्त का बताया, जमा का खाता कब होगा, जब मैंपन निमित्त भाव कि मैं बहुत सारा हमारा कमाई को खा लेता है, जितने समय तक ये मैं रहता है ना, मैंने किया मैंने किया, एक एक संकल्प में हमारी हमने सेवा की इतना अच्छा, लेकिन वो नहीं है, इसमें नहीं डिस्प्ले हो रहा है सेवा की, लेकिन मैंपन मेरापन, ये मेरा खर्चा मेरा है। और एक होता है हम सेवा के क्षेत्र में मैंपन मेरापन को नहीं लाए चलो, लेकिन बाकी पूरे दिन मेरा बच्चा मेरा 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 आता जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर, तो फिर तो बहुत ड्रेन होता जा रहा है। चलो सेवा में हम बाबा ने कराया, बाबा ने बाकी समय मैंने, ये भी पूरी ट्रेन है, इसलिए जमा होता ही नहीं है। तो बिल्कुल सेवा मैंपन मेरापन मतलब ही खर्चा, शक्तियों का खर्चा, पूरा पूरी शक्ति चली जाती है। तो निमित्त भाव, स्नेह भाव, शुभ भाव आदि बाबा ने किया, बाबा ने कराया। और निमित्त भाव का प्रूफ क्या होगा कि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने ये किया, मतलब वैसे तो याद रहेगा, भूलते नहीं है, लेकिन जैसे ना कोई चीज हम बहुत सोच के नहीं करते ना, वो इतना अंदर स्टे नहीं करती है, पर ये फील होगा बाबा ने करा है। तो अगर बार बार अगर संकल्प भी आता है ना, और वो पता तब चलता है जब कुछ बातों में निकलता है, मैं पूरे दिन से ये सेवा कर रही हूँ, पूरा दिन से मैं भंडारा में खड़ी हूँ, अगर ये फील हुआ तो मतलब वो मैपन से फीलिंग चल रही थी, तभी तो वो शक्ति नहीं मिल रही। बाबा की शक्ति से करना, जैसे वो चलते हैं ना, हम ये वहां ये एयरपोर्ट में वो जो है ना स्ट्रेट चलने का, उसको एक्सेलरेटर, प्लेन वाले एक्सेलरेटर जो होते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा चलते हो, लेकिन जो दौड़ के चलते हो ना उसके साथ, क्योंकि वो एक्सेलरेटर पे चल रहे हो ना, तो थोड़ा सा ही मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जो चला रहा है ना, बाबा चलाता है, ये फीलिंग है ना, ये है ऑटोमेटिक आगे भरपूरता की फीलिंग, ये है वो। मैपन मेरापन ये खर्चा है, और निमित्त भाव स्नेह भाव मतलब जमा, बाबा ने कराया, ये फील होता जाए, इसलिए ये वाला पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। जब हम बैठे कुछ करें, बाबा बैठा है, बाबा बोल रहा है, बाबा करा रहा है, तो ऑटोमेटिक जब मुझे अपना ख्याल भी आएगा ना कि मैंने वहां ऐसे बोला था, तो ऐसे लगेगा बाबा ने ही तो बोला था, विजुअलाइज भी हम वो ही करें तो वो बहुत हेल्प।
स्नेह भाव, शुभ भाव और आत्मिक भाव। हाँ ये, हाँ नहीं, हाँ इसलिए बहुत सेवा करके भी अगर वो स्टे होता है ना, वो आत्मा खा रही होती है अपना पुण्य, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और फाइनली कोई सेवा का बलि नहीं है, और अभी तक फिर वो लगेगा कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, क्यों इतना किया। किसी को भी मैं इतना चलती हूँ तब लगता है जब पैर ठीक नहीं होते हैं, नहीं तो जब 5 किलोमीटर भी भाग जाओ जिनके पैर ठीक है उनको लगता ही नहीं कि मैं चली। तो बहुत करके भी कुछ नहीं लगे कि मैंने कुछ भी किया, ये है निमित्त भाव। तो जितनी बार संकल्प मैंने किया आई एम यूजिंग माई सेवा अकाउंट, तो जमा क्या होगा, और बाबा लास्ट में क्या देखेगा धर्मराज पुरी में, जमा, ओनली जमा का खाता देखा जाएगा, करंट अकाउंट तो है ही नहीं, सिर्फ सेविंग अकाउंट है, और उसके बेसिस पे महाराजा राजा सारा। ठीक है, तो पहले तो करना और ऊपर से फील ही नहीं करना। कई कहते इससे तो सेवा नहीं करे ना वो अच्छा है, अरे भाई सेवा करोगे तो कुछ तो मिलेगा। बाबा ने कराया मुझे निमित्त बनने का, तो ये बार बार ये संकल्प आएगा कंप्लीटली, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। बाबा नहीं करे, और इसके लिए अपने आप को, बच्चों को मतलब उनको कुछ कर रहे हो, दे रहे हो, कर रहे हो, बाबा दे रहा है उस समय भी मैंपन नहीं, हम केवल सेवा में, क्योंकि अगर पूरे समय मेरा मैंपन रहा लौकिक कार्य में तो मेरा संस्कार कौन सा ज्यादा है, मैंपन का, तो सेवा में भी क्या आएगा, तो ऑटोमेटिक सेवा में मैपन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो संस्कार ज्यादा है, मैंने बच्चों का किया, मैंने घर को चलाता हूं, मैंने कमाई किया है, इवन अज्ञान काल में हमने जो कमाई की बाबा करा दिया, वो मैपन नहीं, वो बाबा का था। ये है ट्रस्टीशिप। अब उसको वो भी श्रीमत अकॉर्डिंग यूज कर, कराया ना, ठीक है कराया, तो निमित्त भाव का मतलब है सेवा में या पुराना, और फिर उसको यूज भी अभी श्रीमत के अकॉर्डिंग कर रहे, ये भी नहीं कि बाबा का है चलो जैसा मर्जी यूज करो, वो भी नहीं चलता ना। तो ये डीपली इनग्रेन करना है आज के पूरे कर्म में, बाबा ने बिठाया, बाबा ने दिया, और बाकी वो करना है वो होमवर्क जो बाबा ने उस मुरली में कहा है, शिव शक्ति पूर्वज हूँ, नॉर्मल कॉन्शियसनेस से अवे की प्रैक्टिस पूरे टाइम में कर, ये बहुत ज्यादा कर। मधुबन की टोली भी है और सेवाधारी 10 मिनट बैठेंगे, ठीक है, मधुबन की टोली पे बाबा के, वो बाबा स्पेशल टोली, ड्राई फ्रूट्स की टोली, क्या हाँ पहले योग कर लेते, चलो जी सब कैसे खाएंगे ऑनलाइन, आज ने आज तो बोल तो रहे, अब सुनाई दे रहा है अभी आपका, अभी ठीक हो गया, संकल्प किया खा लिया। हाँ ये अच्छा मैं शाम को आ रही हूँ, जो आएगा सेंटर पे आज के दिन उसको मिलेगा, आज शाम को वैसे भी प्रोग्राम मधुबन की विशेष बाबा वाली टोली, रजनी बहन भी थे, मीरा बहन मलेशिया के भी थे, कमले ट्रिनिडाड की बहनें थी, यामी की बहन थी, विदेशी बहुत सारे थे, दीदी बांग्लादेश की भी थी अनिमा दीदी बांग्लादेश, मेरे को। हाँ
बांग्लादेश ईस्टर्न इजराइल के भी थे क्योंकि हिब्रू में ट्रांसलेशन हो रहा था, उन्होंने अनाउंस किया। हाँ अच्छा, हाँ सब थे, सब थे, सारे थे, चार्ली भाई ऑस्ट्रेलिया, पूरे सब कंट्री की अभी मीटिंग चल रही है आरसीएमएस की, सभी कह रहे इधर आओ उधर आओ, परम धाम जाना है, घर जाना है। कोई सभी वो आ कर ले बाबा ने बुलाया तो भी वो समझ नहीं पा, तो बाबा ने बताया बड़ा हम चुप छोटे तुमने खा लिया Thank you.
चखली कोई प्रभु प्रेम रस जो दूजो रस ना भाई, प्रेम के सागर को जो छूले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए, ऐसी तो तेरे प्यार की कोई सीमा बाकी सारा।